नमस्कार। ANM 2024 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट कल 7 जुलाई को आना था, लेकिन काफ़ी लेट आया है, तो मोस्टली बच्चों को सुबह ही मिलेगा। उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पर कल ही लगा दिया था, लेकिन साइट पर आज अपलोड किया है और उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस साइट से आपने फॉर्म फिल किए थे वहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वहाँ अपलोड नहीं किया है, लेकिन आपको RHTC की साइट यानी गूगल पे RHTC फिल करना है। पहली जो लिंक है RHTC की, वहाँ क्लिक करना है और आप जैसे ही नीचे जाएंगे, अगर नीचे नहीं जा रहे हैं तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप जैसे नीचे जाएंगे वहाँ आपको फर्स्ट सेकंड थ्री करके ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 2 है, सेकंड वेटिंग लिस्ट 1 है और थर्ड रिज़ल्ट है। तो आपको थर्ड लिस्ट पर पहले क्लिक करना है और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने लिस्ट रेडी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे लिस्ट रेडी होगी आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले UR की लिस्ट है, जैसे आप देख सकते हैं पूजा, सोनाली, सोनिया, ये जो थर्ड नंबर वाली लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट UR, तो ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन कन्फर्म है, अगर वो जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो फिर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लिस्ट पे हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आने वाली पूजा लड़की है UR की, जो 98 लेके आई है। उसके बाद सेकंड टॉपर सोनाली है, थर्ड टॉपर सोनिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि UR की लिस्ट में SC कैसे है, UR होनी चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे SC OBC वाले ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वो UR की वैकेंसी ले जाते हैं, ये UR के लिए दिक्कत है। अगर UR की इसमें 40 वैकेंसी भी होगी, अगर SC वाले 10 बच्चे अच्छे मार्क्स ले आए तो वो 10 UR की वैकेंसी लेके जाएंगे, 30 वैकेंसी UR वालों को, जनरल वालों को मिलेगी। तो यहाँ से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जैसे सोनिया 3 नंबर पर, वो आजाद सिंह, आपको ये नहीं है कि भाई आपको SC की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो आपका जर्नल वाली लिस्ट में भी नाम आएगा। इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने OBC की लिस्ट है स्पेशल, इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। जिसको कोई दिक्कत है, किसी के रिगार्डिंग डाउट है, रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहता है, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800453881 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट सबके पास पहुंच गया होगा। फिर SC की लिस्ट आपके सामने है। उसके बाद ST की लिस्ट है, ज्योति कुमारी, नंदिनी कुमारी, नैन्सी। फिर आपके सामने EWS की लिस्ट दिखाई देगी। तो ये जो थर्ड नंबर वाली लिस्ट है, ये सभी बच्चे सिलेक्टेड हैं, यानी इनको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, मेडिकल होगा, तो आपका 1 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें रैंक देख सकते हैं। अब बात करते हैं, वेटिंग लिस्ट भी आई है, दो दो वेटिंग लिस्ट है। मैं आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखा देता हूँ। आपको बैक जाना है साइट पर, सेकंड नंबर पर है वेटिंग लिस्ट 1, वहाँ क्लिक करना है। तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। UR की वेटिंग लिस्ट की कैंडिडेट है जो वर्षा रानी। देखिए, अब आपको कैसे अपना आइडिया लगा लेना है कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। देखिए, जो वर्षा रानी है वो फर्स्ट नंबर पे वेटिंग है SC में, तो उसके आने के चांस 100% है, क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट। कम से कम 15-16 बच्चे मिस होते हैं, या डॉक्यूमेंट की वगैरह, मतलब कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, किसी का किसी और कोर्स में आ जाएगा, तो ऐसे बच्चे मिस ज़रूर होते हैं। तो अब अगर आपका किसी भी वेटिंग लिस्ट में 5-6 रैंक तक है, जर्नल OBC SC, तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे आने के चांसेस काफ़ी हैं। वेटिंग लिस्ट 2 तो आप ना ही देखें तो अच्छा है, ये OBC की वेटिंग लिस्ट है। किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं आपको बता दूंगा। ये इस तरीके की लिस्ट आपके सामने है, ठीक है।
बाकी JNM के भी फॉर्म निकल चुके हैं, जिनके नंबर आ गया है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नंबर ना आया वो निराश ना हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ मिस हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पीछे हैं लोगों से। बहुत बार होता है कि ऐसा कि भाई आपको आते हुए भी अच्छा मार्क्स नहीं ले 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 पाते, तो इसमें कोई आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करें अभी से, या फिर अभी JNM के फॉर्म है वहाँ ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता आपके लिए वहाँ ऑप्शन हो। तो बाकी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।